आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। हैदराबाद से दर्दनाक मामला सामने आया जहां कुत्तों ने एक 4 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्चे को नोचा, उसे घसीटा। बच्चे की रोने की आवाजें सुनकर बच्चे के पिता दौड़कर पहुंचे और उसे कुत्तों से छुड़वाया। इसके बाद वे बच्चे के जख्मी हालात को देखते हुए अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपको बता दें कि 3 कुत्तों ने 4 साल के बच्चों को नोच खाया और उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि यहाँ उनका परिवार भी रहता था और लोग सोसाइटी में रहा करते थे। बच्चा बाहर टहलने के लिए निकला था। कहा जा रहा है कि कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चा कहीं जा रहा है, तभी पीछे से 3 कुत्ते आकर उस पर एक एक कर हमला कर देते हैं। आप सोच सकते हैं कि उस बच्चे की मौत कितनी दर्दनाक रही होगी। सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि कुत्तों के हमले के बाद बच्चा जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद कुत्ते उसे नोचना और घसीटना शुरू कर देते हैं। बच्चा खून में लथपथ भी दिखाई दे रहा है। बच्चे की रोने की आवाज़ें सुनकर पिता गंगाधर दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। केवल 4 साल के बच्चे को 3 कुत्तों ने इतनी बुरी तरह नोच खाया कि उस बच्चे ने अपनी जान वहीं दे दी। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।